हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है, और वीवो फ़ोन में जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आपके जो ब्लूटूथ की प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में आ रही है, तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में देखते हैं कि आप कोई भी नेटवर्क कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ का, तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो जो ब्लूटूथ नॉट कनेक्टिंग प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कैसे कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कुछ आइकन्स आ जाएंगे इस तरीके से, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो आपके फ़ोन में जो कॉल नोट सॉरी कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करें, सिंपली सेटिंग शो हो रही है। सॉरी, जो आपके जो ब्लूटूथ की प्रॉब्लम है सॉल्व कैसे करें, सबसे पहले तो जाना है ऐप सेटिंग पे। तो ऐप सेटिंग्स को ओपन करना है। जो ब्लूटूथ नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे, जैसे आप यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं और शो सिस्टम ऐप्स को ओपन कर लेंगे, तो शो सिस्टम ऐप्स आपके फ़ोन में ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपको सर्च करना है ब्लूटूथ। जब आप यहाँ पर ब्लूटूथ सर्च करते हैं तो ब्लूटूथ सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ से आप ब्लूटूथ की जो नॉट कनेक्टिंग प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको बस फोर स्टॉप कर देना है, फिर आपको यहाँ से जो भी डाटा होता है ब्लूटूथ का उसको क्लियर कर देना है। यहाँ से स्टोरेज पे जाएंगे, डाटा को क्लियर कर देंगे और डाटा आपके फ़ोन में क्लियर हो जाएगा, देख सकते हैं। फिर आपको थोड़ी देर बाद इसको बैक कर लेना है, थोड़ी आपका जो स्क्रीन काम नहीं कर रही फिर इसको बैक करना है, और जो आपकी ब्लूटूथ की नॉट कनेक्टिंग प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से भी नॉट कनेक्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर भी सॉल्व नहीं होते तो आपको जाना होगा सिस्टम सेटिंग पे जाकर भी आप ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जो ब्लूटूथ का डाटा होता है इसको ऑल तरीके से रीसेट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा रीसेट का, और इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही ब्लूटूथ की ऑल सेटिंग्स रीसेट हो जाएगी और जो ब्लूटूथ की प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें और वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।